हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु, आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में गमराज सीरीज की अगली कॉमिक्स, एक दिन का यमराज। बंबई के उपनगर कुरला की एक चाल में रहने वाला गमराज हमेशा यमराज से मौत मांगा करता था। मुझे मौत चाहिए यमराज। और एक दिन उसकी इच्छा पूरी भी हो गई, वो सचमुच ही यमलोक जा पहुंचा। परंतु क्या बड़बड़ा रहे हो चित्रगुप्त, बताते क्यों नहीं, क्या हुआ? देव यमदूत इस प्राणी को गलती से पकड़ लाए। और जब यमराज ने उसे वापस धरती पर भेजना चाहा, देव गलती आपके कर्मचारियों ने की है, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? ना बाबा ना, मैं अब जाने वाला नहीं। और गमराज को वापस धरती पर भेजने के लिए यमराज को 3 वरदान देने पड़े। मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करें, मैं आपसे मिलने यमलोक जब चाहूं आ सकूं, मुझे आपका वाहन वृषभ राज चाहिए पिताश्री। 2 वरदान तो यमराज ने जैसे के तैसे दे दिए, परंतु तीसरे में वृषभराज के बदले उसका पुत्र यमुंडा दिया, जो कि कोई भी रूप ले सकता था। और चेले के रूप में गमराज को मिला शंकालु, जो हर बात में शंका जाहिर करता है। अरे गुरु, ये तो तुम्हारी जान ले लेगा। मेरे गुरु की जान का दुश्मन, यानी मेरा दुश्मन, ता अरे मार डाला। अबे एक तो मच्छर नहीं सोने देते, जैसे तैसे आंख लगती है तो तू गुरु, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माफी गुरु, माफी, मैंने तो आपकी जान की रक्षा की है। मेरी रक्षा की है, परंतु किससे? खटमल से। वो आपके गाल पर बैठा 8 घंटे से खून पी रहा था। मुझे शंका हुई कि अगर वो आपका सारा खून पी गया तो आपको उठाने के लिए 4 आदमी बुलाने पड़ेंगे। माथा पीट लिया गमराज ने अपना। उफ शंकालु, तेरी ये शंका किसी दिन मेरी जान लेकर छोड़ेगी। नहीं गुरु, मरना मत, वरना मेरी शंकाओं का समाधान कौन करेगा? एक दिन। अच्छा गुरु, अब 2 महीने बाद मिलेंगे। 2 महीने बाद? मगर क्यों? बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां है ना, परिवार सहित उनके नाना के यहाँ जा रहा हूँ। अरे वहां जाकर क्या करोगे? करना क्या है, सभी गर्मियों की छुट्टियों में अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तो हम भी जा रहे हैं। अकेला रह गया गमराज। सभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, मुझे भी जाना चाहिए, परंतु मेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है। अरे हाँ है, क्यों नहीं, मेरे पिता हैं यमराज, मैं भी जाऊंगा हम लोग छुट्टियां मनाने। यमुंडा, हाजिर हूँ स्वामी। चलो यामुंडा, हम भी 2 महीने यमलोक अपने पिता के साथ बिताकर आएंगे। धन्यवाद स्वामी, काफी समय हो गया मुझे भी पिताश्री से मिले। खुशी की लहर दौड़ गई यमलोक में। पाए लागू पिताश्री, आयुष्मान भव पुत्र, प्रणाम आयुष्मान भव पुत्र। पिताश्री, मैं यमलोक में 2 महीने बिताने आया हूं, आपको कोई एहतराज तो नहीं? नहीं पुत्र, बल्कि ये तो खुशी की बात है। देखो चित्रगुप्त, मैं पृथ्वी लोक जा रहा हूं महात्माओं के प्राण लेने, कल तक लौट आऊंगा, जो आज्ञा देव। और हाँ, हमारा पुत्र 2 महीने के लिए यहाँ है, यमलोक में वो जहां जाना चाहे जाने देना, जो करना चाहे करने देना, जैसी आपकी आज्ञा देव। यमराज के जाने के बाद क्या हुआ देव, आपने यमलोक का कामकाज क्यों रोक दिया? उन लोगों का फैसला यमराज ही करते हैं, और वो कल तक के लिए पृथ्वी लोक गए हैं, तो क्या कल तक ये यूं ही खड़े रहेंगे? मजबूरी है वत्स। नहीं देव, पुत्र का फर्ज है पिता के कामों में हाथ बटाना। जब तक पिताजी नहीं आते उनका ये काम मैं करूंगा, यह असंभव है वत्स। यमराज का कार्य सिर्फ यमराज ही करते हैं, आप भूल रहे हैं देव। पिताश्री जाते समय आपको कह गए थे कि मैं जो चाहूं मुझे करने दिया जाए। कोई तर्क नहीं बचा चित्रगुप्त के पास। तो ठीक है पुत्र वत्स, परंतु आपको यहाँ के कार्य का अनुभव भी तो नहीं है। इसमें अनुभव की क्या जरूरत है देव, किसी को स्वर्ग भेजना है, किसी को नरक, और किसी को वापस पृथ्वी लोक पर पुनर्जन्म के लिए। तर्क शून्य हो गए चित्रगुप्त। ठीक है बस, हम यमराज की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं, तो कार्य शुरू करें देव। पहला केस आया, पहला नंबर है 30 मार्का का। इसने पृथ्वी लोक में 5,000 हत्याएं की थी। एक आदमी ने 5,000 हत्याएं, मगर मैंने तो कभी नहीं सुना। दरअसल इसने 5,000 मच्छर मारे थे। मच्छर मारे थे, वेरी गुड, इसे तो इनाम मिलना चाहिए। नहीं बस, ये तो नरकगामी है, क्योंकि हत्या तो हत्या है, चाहे चीटी की हो या मानव की। आपको पता नहीं देव, क्योंकि यमलोक में मच्छर नहीं है, हम तो भुक्तभोगी हैं। खैर जाने दो, हमारे फैसले के अनुसार इसे पृथ्वी पर छिपकली के रूप में पुनर्जन्म दिया जाता है, ताकि ये मच्छरों को खा खा कर पृथ्वीवासियों को राहत पहुंचा सके। अगला केस, ये है सेठ दानवीर। इन्होंने सारा जीवन खूब दान किया दिया तथा कई पुण्य के काम किए, ये स्वर्गगामी। दान पुण्य, यानी ये तो सबसे बड़े पापी हैं देव। पापी? वो कैसे? पृथ्वी पर दान पुण्य वो ही करते हैं जिनके पास काला धन होता है,
और काला धन इकट्ठा करने के लिए ये गरीबों का खून चूसते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं। परंतु वत् अरंतु परंतु कुछ नहीं, हम इसे नरक में जाने की सजा देते हैं। अगला नंबर। हे रमराज, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये है धांसू पहलवान, इसने अपने इलाके के लोगों पर बहुत जुल्म ढाए। यह कमजोरों को ही मारा करता था। आपने ये नहीं बताया देव कि यह स्वर्गगामी है या नरकगामी? इसका फैसला तुम ही करो बस। तो ठीक है, इसकी आत्मा पृथ्वी लोक में किसी ऐसे कमजोर आदमी की लाश में डाल दी जाए जिससे सभी चिढ़ते हों। वाह, मैं फिर वापस पृथ्वी पर जाऊंगा। हो गया बंटा धार। बस ये वो पापी है जो सारा जीवन मदरा पीकर अपनी देवी समान पत्नी को मारता रहा। ओह, ये तो सचमुच नरकगामी है। शुक्र है एक फैसला तो ठीक होगा। परंतु तभी ठहरो कमराज भैया। कमराज भैया, यहाँ मेरी कौन सी बहन पैदा हो गई? ये इसी पापी की धर्म पत्नी है बस, और स्वर्गगामी है। तुमने हमें भैया कहा है? बहन, जाओ और जाकर स्वर्ग में सुख भोगो। बहन कह बहन कहकर सुखी रहने का आशीर्वाद भी देते हो और मेरे पति को मुझसे अलग भी करते हो। अपने पति से अलग रहकर भी कोई पत्नी भला खुश रह सकती है? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या करूं? कुछ भी करो भैया, मगर मुझे मेरे पति से अलग मत करो। ओह, तो मैं तुम्हें नरक भेज नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे पति को ही स्वर्ग भेजता हूँ। थककर चित्रगुप्त ने गमराज के फैसलों में टांग अड़ानी बंद ही कर दी। और फिर आया अगला केस। ये है यूनियन लीडर। ये पृथ्वी पर मिल मालिकों से रिश्वत खा खा कर गरीब मजदूरों का हक छीनता रहा। गरीबों का हक छीनने वाले को तो नरक में जाना चाहिए। नहीं, मैं नरक में जाने को तैयार नहीं। क्या बकवास करते हो, ये मेरा हुक्म है। अरे जा जा, बहुत आए तो जैसे हुक्म देने वाले। दोस्तों, मेरी तरह आप सब भी पृथ्वी पर भाई भतीजावाद देख कर आए हैं। वही भाई भतीजावाद यहाँ भी चल रहा है। गमराज अपनी मर्जी से जिसे चाहे स्वर्ग और जैसे चाहे नरक नहीं ले सकता। मैं इसका विरोध करता हूँ। दोस्तों, एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो सभी स्वर्ग जा सकते हैं। बोलो, क्या मेरा साथ दोगे? हम तैयार हैं। आवाज दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। घबरा उठा गमराज। ये क्या हो रहा है देव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यमलोक में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं जल्दी सुरक्षा दूतों को इन्हें नियंत्रित करने का आदेश देता हूँ। सुरक्षा यमदूत बुलाए गए। इन्हें नियंत्रित करके लाइन में लगाओ जल्दी। जो ही सुरक्षा यमदूतों ने बेत चलानी शुरू की, भगदड़ मच गई वहां। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, स्वर्ग का रास्ता उधर है, क्योंकि वो पति पत्नी उधर की तरफ गए, उधर ही उधर की तरफ ही गए हैं। चलो चलो। सभी स्वर्ग की तरफ भाग लिए। हे भगवान, आज ना जाने क्या होगा। होगा क्या, जो होना है वो तो हो चुका। सिर थाम लिया चित्रगुप्त ने भी। कुछ ही देर में सुरक्षा दूत लौट आए। माफ कीजिए देव, उनकी संख्या बहुत अधिक थी, हम उन्हें नहीं रोक पाए और वो सभी स्वर्ग में घुस गए। और अगले दिन जब यमराज वापस लौटे। क्या बात है चित्रगुप्त, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सब? स्वर्ग में। और फिर चित्रगुप्त यमराज को सारी बात बताते चले गए। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ, और ये सब आपके पुत्र की वजह से हुआ। तभी दुहाई हो यमराज, दुहाई हो। इतनी करुणामयी आवाज किसकी है? अरे नारद जी, ये नारायण नारायण भूलकर दुहाई दुहाई कब से बोलने लगे? जब से स्वर्गलोक की जनसंख्या एकदम बढ़ गई है, यानी आज से ही। मगर क्यों, आपने एक ही दिन में इतने लोगों को स्वर्ग भेज दिया है कि वहां अनाज की कमी पड़ने की संभावना पैदा हो गई है देव। और ये सब मेरे मुंह बोले पुत्र की वजह से हुआ, और इसकी सजा इसे अवश्य मिलेगी। परंतु पिताश्री। तभी 30 मार्का धासु पहलवान, गमराज की जय हो। आपके आदेश अनुसार 30 मार्कों को छिपकली के रूप में पुनर्जन्म दिया जा चुका है, और धासु पहलवान की आत्मा एक लालची कमजोर भिखारी की लाश में डाल दी गई है। और जब चित्रगुप्त ने सारी बात बताई, मैंने तुम्हारी सजा सोच ली है। तुम आज ही वापस पृथ्वी पर जाओगे और धासु पहलवान और 30 मार्का की आत्माएं वापस लाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री, लाखों की भीड़ में उन्हें कैसे पहचानूंगा? यही तो तुम्हारी सजा है। हाँ, इसका एक लक्षण मैं तुमको बताता हूँ। मैं तुम्हें एक शक्ति दूंगा जिससे तुम जब भी चाहोगे एक पतली रस्सी का ऐसा फंदा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, और जब भी ये रस्सी आगे करके तुम 3 बार बोलोगे धासु पहलवान फंदे में फंस या 30 मार्का फंदे में फंस, तो वो सचमुच इसमें बंध जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब वो सचमुच 30 मार्का या धासु पहलवान की आत्मा हो, किसी और की आत्मा इसमें नहीं समाएगी। और फिर यामुंडा पर सवार गमराज वापस मुंबई पहुंचा। उफ, अरे यामुंडा कुछ तो बता, उन दोनों की आत्माओं को किस तरह पहचानूं? गमराज, गमराज! अरे शंकालू, तुम तो छुट्टियां बिताने अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे। हाँ, परंतु वहां पहुंचा तो वहां भी ताला लगा था, क्योंकि वो लोग भी छुट्टियां बिताने अन्य रिश्तेदारों के गए हुए थे। मगर बात क्या है गुरु,
आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। क्या बताऊं शंकालू, मैं भी 2 महीने के लिए यमलोक गया था, मगर और फिर गमराज ने सारी घटना शंकालू को बता दी, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। चलो हम दोनों मिलकर धासु पहलवान और 30 मार्का को ढूंढेंगे, यानी एक से भले दो। दोनों निकल पड़े एक भिखारी, धासु पहलवान और एक छिपकली 30 मार्का की खोज में। हिंदू भगवान के नाम पर, मुस्लिम अल्लाह के नाम पर, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट के नाम पर कुछ दे दे बाबा। वो देखो गुरु, उस भिखारी को का हुलिया बिल्कुल उस जैसा है जिसकी आपको तलाश है, क्यों ना शुरुआत इसी से करें। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। भिखारी के पास पहुंचते ही धासु पहलवान फंदे में फंस। बाबू धंधे का टाइम है, यहाँ से खिसक, यहाँ से खिसक। और जब उसकी आत्मा नहीं निकली गुरु, वो इसकी धोती की गांठ देख रहे हो ना, मुझे शंका है इसने अपने प्राण इसी गांठ में बांध रखे हैं। ओ यानी गांठ खोलकर पहले प्राण आजाद करवाने होंगे। ए बाबू सुनाई नहीं देता क्या, साइड हो। अरे अरे ये क्या करते हो बाबू, करना क्या है, गांठ खोल और प्राण हमारे हवाल कर धांसू पहलवान। अरे लूट लिया, कोई बचाओ, अरे मेरे सारे पैसे खोल लिए रे, कोई रोको। आए देखते देखते भीड़ इकट्ठी हो गई वहां। क्या जमाना आ गया है, बुढ़े भिखारियों को भी नहीं छोड़ते, देखो ना बेचारे गरीब की कमाई छीन रहे हैं। अरे देखते क्या हो, पकड़ लो दोनों को। पकड़ना क्या है, तोड़ डालो दोनों को। भूखे भेड़ियों की भांति टूट पड़े लोग, गुरु बचाओ। ओह अबे मैं अपने कपड़े नहीं बचा पा रहा हूं, तुझे क्या बचाऊं। आई कुछ ही मिनट में, हाय दैया मेरी तो हसली पटली तोड़ डाली कम भक्तों ने। अरे कोई अस्पताल तो पहुंचा दो रे। और दया करके किसी ने दोनों को अस्पताल पहुंचा ही दिया। दोनों जनरल वार्ड के बेड पर पड़े थे कि गुरु गुरु वो देखो छिपकली। अरे मेरी तो आंख भी नहीं खुल रही, तू ही देखकर बता क्या है। 30 मार्का गुरु, वहा मेरी बाई और दीवार पर। क्या कहा, 30 मार्का कहाँ है, 30 मार्का वहां मेरी बाई और दीवार पर। अगले बल यमराज के हाथ में फंदा नजर आने लगा। 30 मार्का फंदे में फंस, 30 मार्का फंदे में फंस। अबे अबे आई माँ, अबे भागती कहाँ है, कम से कम 3 बार भाग पूरा तो होने दे। बड़ी मुश्किल से रुकी छिपकली। ए क्या कर रहे हो तुम, 30 मार्का फंदे में फंस। वो 30 मार्का के प्राण ले रहा है। वार्ड बॉय पहुंचा सीधे डॉक्टर के पास। डॉक्टर वो दोनों जो आज आए हैं मुझे तो पागल लगते हैं, पिछले 1 घंटे से छिपकली के पीछे पड़े हैं। लगता है दोनों कुआरे हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। बुलाओ उसे, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा। उफ डॉक्टर, मैं अपने हॉस्पिटल की न छिपकली की नहीं बल्कि सचमुच की छिपकली की बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्या वो दोनों सचमुच की छिपकली से शादी करेंगे। वार्ड बॉय ने माथा पीट लिया अपना। उफ उनसे पहले तो तुम्हें पागल खाने में भेजना चाहिए। क्या कहा, कुछ नहीं मैं ही कुछ करता हूँ। और उसने पागल खाने फोन कर दिया। कुछ ही देर में पागल खाने की टीम आ गई। अरे अरे छोड़ो हमें, कौन हो तुम लोग और हमें कहाँ ले जा रहे हो। हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। अरे वाह, तो पहले क्यों नहीं बताया, यमराज तो स्वयं मेरे पिता हैं, मगर यमदूतों की ड्रेस कब से बदल गई, ये तो यमलोक चलकर ही पता लगेगा। और कुछ ही देर में, अरे ये तो पागल खाना है, लगता है तुमने आज सुबह आंखों में मिट्टी का तेल डाला था, इसलिए यमलोक भी तुम्हें पागलखाना नजर आ रहा है। अंदर चल यमराज के पुत्र, तेरा फैसला करने के लिए यमराज अभी आते ही होंगे। पिताश्री बचाओ, यमराज का पुत्र तो गमराज है, मेरी क्यों फुटबॉल बनाए दे रहे हो। अरे राम प्यारी, अपने बच्चे को छोड़कर मायके मत जा, इसे दूध कौन पिलाएगा। महाराज प्रताप के घोड़े के ब्रेक फेल हो गया, हट जाओ वरना पहिए के नीचे कुचल दूंगा। गुरु मुझे तो पूरी शंका ही है, यमलोक नहीं पागल खाना है। तुझे अभी भी सिर्फ शंका ही है शंकालू, कभी तो कोई बात ठोक पीट कर कहा कर। तभी गुरु ये दिन में तारे कहां से आ गए। टन, अबे मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया, लगता है रात हो गई है। इस अंधे को कुछ दे दे बाबा। अंधा, मगर तुम्हारी तो दोनों आंखें सही सलामत है। मैं आंखों से नहीं कानों से अंधा हूं, कुछ दे दे बाबा। चौका शंकल, गुरु आजकल कोई भीख नहीं देता और भिखारियों को हराम की खाने की आदत होती है, मुझे तो शंका है ये वही भिखारी है जिसमें धातु पहलवान की आत्मा है और हराम की रोटी खाने के चक्कर में यहाँ भर्ती हो गया है। बस फिर क्या था, लग गया गमराज उसके पीछे, धातु पहलवान फंदे में फंस। चटा, ए बाबा ये फुसफुस क्या क्या लगा रखे, कुछ देना। उस बीच में ही रोक दिया, फिर शुरू करता हूँ, धातु पहलवान फंदे में फंस। आओ आ, फिर वही फुसफुस, कुछ देना बाबा। चटा, ये गमराज का बेटा है धासु पहलवान और तेरी आत्मा निकालने आया है। क्या सच, तो फिर निकालता क्यों नहीं, इसका मंत्र 3 बार पूरा तो होने दे। ठीक है करो पूरा,
नासू पहलवान फंदे में। भैया इजाजत हो तो आगे बोलूं? आगे मैं बोलूंगा। ठीक है, कम से कम चाटा खाने से तो बचूंगा। धांसू पहलवान फंदे में फंस। अगले ही पल, हैं ये तो गया, यानी धांसू पहलवान की आत्मा मिल गई। अब 30 मार्का के प्राण और मिल जाए तो काम बने। फंस गया, इसने तो कल्लू भिखारी भिखारी के प्राण हल लिए। कहता है मैं यमराज का बेटा हूं, इस तरह तो ये हम सबके प्राण ले लेगा। क्यों ना पहले हम इसके प्राण हर लें और फिर गमराज फंदे में फंस। अरे मर गया रे, गमराज फंदे में फंस, बचाओ। फिर तो बस, गमराज फंदे में फंस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक दिन का यमराज के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।